मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत सोमवार को अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड के वितरण कार्यक्रम का आयोजन जिला अस्पताल परिसर में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला का सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित अन्य अतिथियों ने योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि सोमवार को कार्यक्रम के दौरान जिला अस्पताल में 25 लोगों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है तथा जनपद में कुल सभी ब्लॉकों पर जिला अस्पताल सहित 125 लोगों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन जनपद में 5000 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आयुष्मान कार्ड से एक व्यक्ति को 5 लाख तक का इलाज फ्री है। आगे उन्होंने बताया कि अभी तक जनपद में 40,000 से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ प्राइवेट हॉस्पिटल से मिल चुका है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड धारक किसी भी प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर अभयचंद श्रीवास्तव सहित आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए योजना के लाभार्थियों CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे तथा राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा। मुफ्त में किया जाता है, उसी संदर्भ में आज यहाँ लाभार्थियों को कार्ड वितरण किया जाएगा। हमारे माननीय महोदय लोग आ चुके हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। तालियों से जो स्वागत होना चाहिए सर का। हम सभी आपके साथ स्वर में स्वर मिला करके अपने लोकप्रिय मुख्य प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करते हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बहुत पीछे है, और फिर भी हम गर्व कर सकते हैं, करना भी चाहिए। पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इतने लार्ज स्केल पर और इतनी जमीनी धरातल पर वास्तविकता के आधार पर अपने नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा रहा हो। मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मकान दिए, उज्ज्वला के अंतर्गत गैस दिया, सौभाग्य के अंतर्गत बिजली के कनेक्शन दिए, खाद्य मिशन के अंतर्गत और महामारी एक्ट के अंतर्गत प्रति परिवार को प्रति माह खाद्यान्न दिया, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्येक किसान परिवार को दिया, और ऐसी सैकड़ों अनन्य योजनाएं हैं जो उन्होंने समाज के गरीब वर्ग के लिए आयोजित की हैं। मैं इस मंच पर आभारी हूं माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी का। मुझे याद है जब कोरोना काल चल रहा था और ऐसा एक समाचार आया था कि माननीय सांसद और विधायकगण ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए अपनी निधि से धन दे सकते हैं, तो माननीय सांसद शिव प्रताप जी एक ऐसे सांसद थे जिन्होंने 80 लाख रुपया अपने सांसद निधि से दिया था। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, अभी 3-4 दिनों पहले मैं इसी अस्पताल में आया था ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के लिए। मुझसे 2 ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन कराए गए, दोनों CSR कोटे से बने थे, 50-50 लाख रुपए उन्होंने दिए थे, और हम अब तक इंतजार कर रहे हैं कि माननीय लोकसभा राज्यसभा सांसद ने जो 80 लाख रुपया दिया था
उसका प्लांट सीएमओ साहब ने कहां लगवाया? जब धन्यवाद ज्ञापन करने सीएमओ साहब यहां आए तो यह मेरा निर्देश है उनको, जनता को इस जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप इस 80 लाख की पहुंच क्यों नहीं हुई, इसे स्पष्ट करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आप सभी लोगों को शिक्षित किया कि उस कार्ड का उपयोग क्या क्या है और कैसे करिए। आवश्यक ये नहीं है कि कार्ड लेकर के जाइए, आवश्यक यह है कि उस कार्ड से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके लाभ के लिए दिया है, कई चीजें उन्होंने बताई, आयुष्मान योजना को बताया, सौभाग्य योजना को बताया, गैस के सिलेंडर की बात बताई। देखिए, जो कभी नहीं मिलता था वो भी इस प्रधानमंत्री ने इस देश की उस जनता को जिसको शासन का लाभ नहीं मिलता था वो दे रहा है। देने के बाद भी लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन यहां जानकारी दी गई। जब यही बीमा आयुष योजना को हम लोगों ने लाने का काम पार्लियामेंट में किया था तो विपक्ष के लोगों ने इसको कहा था कि ये तो बीमा कंपनियों के हित के लिए है, लेकिन आज एक वर्ष भी नहीं बीता था कि इस देश के 2 करोड़ रहने वाले लोगों को इस योजना का जब लाभ मिला, 2 करोड़ लोगों को लाभ मिला और उसको जब वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में राज्यवार उसका वर्णन किया तो उस समय विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। आयुष्मान भारत योजना में कार्ड मिलना है जिससे आप अपने परिवार के 5 लोगों सहित 5 लाख। पुष्पा देवी, ज्ञानमति, ये लोग भी तैयार रहे, हम क्रम से बुला रहे हैं। रुके रहना। ज्ञानती देवी जी आप भी मंच के पास हैं। इधर आप लोग मिलेगा। ठीक देवी, कलावती देवी, कलावती और राम पलट कोई है भाई? मेरा नाम हनुमान शर्मा है, अंधियारी बाग उत्तरी गोरखपुर। आयुष्मान योजना का जो लाभ मिला है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा है। मुझे इसका लाभ मिल चुका है और मैं भारत में किसी भी कोने पे इसका लाभ ले सकता हूँ। इसके लिए मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री और हमारे जो योगी जी है माननीय मुख्यमंत्री, उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पुष्पा देवी, अच्छा लग रहा है। क्या लाभ इस कार्ड? इसलिए कि अच्छा है कि तबीयत खराब हो रहा, पैसा घर से आदमी नहीं बचा पा रहा, कम से कम सरकार इतना योजना दे दी कि आदमी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सके। कहना चाहेंगे सरकार के लिए? हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ सरकार के, यही हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा किया। हमारा ऑपरेशन हुआ अभी इसी लाभ से। आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया, कितने लोगों को किया गया? आज हमारे यहाँ पर 125 लोगों का आयुष्मान कार्ड का वितरण करने का है और माननीय लोगों से हमने 25 लोगों का कार्ड वितरण किया है। हाँ, हमारे जनपद में इस जगह से अलावा 19 जगहों पर, ब्लॉकों पर हमारा कार्ड वितरण हो रहा है। हमने लक्ष्य रखा 125, कम से कम 125 लाभार्थी आए हैं, उनको कार्ड का वितरण किया जाए और प्रतिदिन हम 5,000 कार्ड वितरित कर रहे हैं। सर, कितना लाभ मिलेगा इससे? इससे 5 लाख तक का बीमा इंश्योर्ड है। 5 लाख तक के अंदर में जितना भी खर्च होता है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उस पर इनको लाभार्थी को निःशुल्क इलाज मिलेगा। अभी हमने देखा है कि अभी तक 40,000 से ज़्यादा
कि लोगों को इसके लाभ मिल चुका है हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल से। कुछ हमारे पास ऐसे लाभार्थी आए जिन्होंने बॉम्बे में भी जाके इलाज कराया है, उनको भी निःशुल्क मिला है। होता है कहीं भी किसी भी जगह प्राइवेट, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे आयुष्मान भारत से आच्छादित हैं वहाँ ले जाएंगे कार्ड दिखाने पर और उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। सरकार की यह योजना है, माननीय प्रधानमंत्री की ड्रीम योजना इसको माना जाता है, और अभी तक भारत सरकार ने जो लक्ष्य अपना तय किया है 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुंचाने का किया है। यहाँ अभी जो कार्ड वितरित हुआ है, राधामोहन जी हमारे साथ हैं, सीताराम जायसवाल जी भी रहे हैं, 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा का मुफ्त इलाज वो कर सकेंगे, लेकिन जो कार्ड लोगों को दिया जाता है वो अपने घर पर लोग रखें ना, केवल उस ताकि उसका लाभ बीमा कंपनियों को ना मिले। प्रधानमंत्री की जो सोच है कि इसका लाभ वो गरीब पावे जिसके पास कार्ड है, तो आज गोल्डन कार्ड के रूप में ये दिया गया है, उसका लाभ लोग लें। अभी गोरखपुर में इसकी बहुत कमी है, अधिकारियों से इसी नाते कहा गया है कि और अधिक लग करके के सब लोगों को कार्ड बनवावें ताकि उसका लाभ ले सकें। आ गए हैं और भी जो आ जाएंगे, भारत सरकार उनको भी कहेगी जैसे अन्य योजना में दे रहे वैसे इसमें भी दे।